सास बहू और बेटियां में प्लीज वेलकम टीवी की चहेती बेटियां जो फिलहाल यहाँ डिस्कशन करने में बिजी है. हम बात कर रहे हैं तेजस्वी और तान्या की. द टी फैक्टर इज योर टी टी. सो सास बहू बेटियां में आप दोनों का स्वागत है. कैसे हैं आप दोनों और बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है. राइट आई नो राइट. मैं एक्चुअली इससे भी बहुत सालों बाद मिल रही हूँ. ऐसे मतलब फियर फैक्टर करके आगे नहीं सॉरी खतरों फियर फैक्टर ना करेगा खतरों के खिलाड़ी करके आगे बहुत एडवेंचर कूट कूट के आ रहा है लड़की में. हाँ एक्चुअली पर बहुत टाइम के बाद ही इंटरव्यूज भी हो पा रहे हैं बिकॉज यू ऑल कुडंट इवन कम फॉर खतरों और सिलसिला में भी परमिशन हाँ. नहीं थी और बाकी फिर कोई बात नहीं मिल गए ना. सो हाँ इट फील्स नाइस टू बी इंटरव्यूड अगेन एंड इट फील्स नाइस कि मैं फिर से बाहर घूमने जा रही हूँ और तानिया भी है मेरे साथ तो बहुत मजा आने वाला है. बस सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि फिट्ज़अप के साथ आप कहाँ जाने वाले हैं इस बार. फुकेट. तो एक्चुअली मतलब आई नो सब लोग मुझे बहुत गालियाँ देंगे बट आई एम अ काइंड ऑफ अ बीच पर्सन. मुझे बीचेस बहुत पसंद है. मुझे हमेशा बीच पे ले जा दो तो आई थिंक फुकेट इज द परफेक्ट प्लेस टू चिल एंड डू फिटनेस. एंड इट्स मैं मलेशिया गॉन देयर 4-5 times और फुकेट मेरा हमेशा रह जाता था. आई नो बट वी ऑलवेज गो थ्रू. हाँ तो बेसिकली मैं मलेशिया थाईलैंड सिंगापुर हमेशा साथ में करती थी. ऑल द थ्री सिंगापुर थाईलैंड मलेशिया तीनों साथ में पर हमेशा फुकेट रह ही जाता था. फाइनली जा रही हूँ. फुकेट तो आप लोग जाने वाले हैं जब फुल ऑन धमाल करने वाले हैं लेकिन इन दिनों जो रियलिटी शो धमाल मचा रहा है वो है बिग बॉस. सो आई एम श्योर आप देख रहे होंगे. अब मतलब मैं तो फॉलो अप करती हूँ क्योंकि वो टाइमिंग में सिर्फ वही आता है. अच्छा मैं भी आई नो फ्यू पीपल इन द हाउस और मैं थोड़ा बहुत देखी हूँ. मैंने सारे एपिसोड्स नहीं देखे बट इट्स वेरी मसालेदार. या दिस टाइम इट इज फार मोर बेटर. आई एम नॉट जजिंग बट या फार मोर बेटर देन द लास्ट सीजन. सो मसालेदार है और इसमें कई सारे ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिन्हें आप लोग पर्सनली भी जानते हैं. सो क्यों ना हम बात करें उन कंटेस्टेंट्स की ही. आपसे जानते हैं कि किसके बारे में आपकी क्या राय है. हाँ तो मेरी दो रील माँ है अंदर. इट वॉज़ वेरी सरप्राइजिंग क्योंकि दोनों की दोनों अंदर चली गई हैं. देवलीना एंड आरती बोथ ऑफ देम हैव प्लेड माई मदर इन माई रिस्पेक्टिव शोज. सो आई थिंक सी व्हाट्स माई ओपिनियन फॉर देवलीना इज दैट शी इज़ ऑब्वियसली वेरी सुलझी हुई. वो रियल लाइफ में बहुत सुलझी हुई हैं और वही प्ले कर रही है. दैट्स वाई शी बिकेम द क्वीन ऑफ द हाउस. सो आई थिंक दैट्स वन प्लस पॉइंट फॉर हर. एंड फॉर एज आरती शी इज़ बींग हाउ शी इज़ मूवफट और जब बैंड बजानी होती है तो बैंड बजा के ही जाती है वो. एंड वो आपको और दिखेगा बिकॉज आई हैव स्पेंड टाइम विद हर. तो वो कभी भी कुछ गलत नहीं लेती है. शी गिव्स इट बैक. सो आई रियली लाइक दैट क्वालिटी एंड आई थिंक दैट विल वर्क फॉर हर. वेल टू बहुओं के बारे में तो आपने बताया लेकिन घर में एक और बहू रानी है दैट इज रश्मि देसाई. शी इज आल्सो नाउ इन द न्यूज़. या बिकॉज अभी वो कर रही है थोड़ी एक्टिव हो गई है. ओह बिकॉज आई हैव ओनली मैं रश्मि को भी बहुत ऊपर से जानती हूँ. वी डन शोज टुगेदर ऑन कलर्स और हमारे जो डांस परफॉर्मेंसेज होते थे तो वो सब हमने किए हैं. हमने अभी रिसेंटली TPL साथ में किया था बट मैं इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं जानती कि मतलब हाउ शी शुड रिएक्ट एंड ऑल. नो बट शी इज़ प्लेइंग. शी इज़ आल्सो लाइक नाउ फर्स्ट जो भी फर्स्ट वीक था वो थोड़ी लोकी प्ले कर रही थी बट अभी शी इज़ बींग या शी इज़ इन द फॉर्म एंड शी नोज दैट शी हैज़ टू सर्वाइव देयर एंड शी इज़ डूइंग वॉट शी कैन डू. परफेक्ट. वैसे हम बात करें और भी स्टार्स की जो गए हैं बिग बॉस घर में. सो सिद्धार्थ शुक्ला के लिए क्या कहेंगे आप. सिद्धार्थ को मैं बहुत ऊपर से ही जानती. अरे याद नहीं. अच्छा हम सब एक्चुअली जो भी गए हैं जो भी चले वो हम ऊपर से सबको जानते हैं लेकिन हम जानना चाहते हम एज अ व्यूअर जानना चाहते हैं लाइक बिकॉज आप देख रहे हैं बिग बॉस. मुझे लगता है कि दैट्स माई ओपिनियन दैट वो थोड़ा मुझे शॉर्ट टेम्पर्ड लगता है. मुझे पहले बहुत सुलझे लगते थे लेकिन अभी एज द एपिसोड इज गोइंग मे बी इट्स गेटिंग ऑन इज दैट कि ओ शिट अभी इधर ही रहना है इन लोगों के साथ ही रहना है. सो आई गेस वो थोड़ा टेम्पर अगर थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे सो आई थिंक शी विल बी अ वेरी स्मूथ रनर देयर. ओके पारस के बारे में आप क्या कहेंगे. प्ले बॉय संस्कारी प्ले बॉय बने हुए हैं वो घर के. दैट्स व्हाई For a change, I know Paras very well. That is a different because Paras sir, मैंने हमने मेरे last to last show करण संगनी में साथ में काम किया है.
जहाँ वो दुर्योधन बना था आयरॉनिकली, और इस शो में भी अंदर अगर वो दुर्योधन बने और बहुत ज्यादा मसाला बन रहा है अंदर, कृष्णा बन रहा है, इंस्पायर्ड बाय कृष्णा इज डन अ महाभारत सीरीज विद मी एंड आई थिंक कि वो बहुत ज्यादा टाइम पास करता है और बहुत ज्यादा मतलब आई नो हिम इज प्लेइंग स्मार्ट एंड आई थिंक इज प्लेइंग स्मार्ट एंड हिम आई इवन नो हिज गर्लफ्रेंड आकांक्षा. Yeah, but it is like this, they know what is there and it's all मतलब उनको पता है, उनको पता है क्या हो रहा है. So हाँ, मे बी आई अग्री, उसको पर्सनली वो जानती है तो उनको ज़्यादा पता होगा, बट मी एज अ व्यूअर इफ आई सी ही इज बींग एवरीवेयर, उनको कनेक्शन बनाना है, वो कहीं ना कहीं तो एक जा रहा है तो दूसरा मिला ना. हाँ, स्प्लिट विला वाली इंस्टिंक्ट्स आ रहे हैं उनमें, बट या प्रिटी गुड फॉर द शो अगर उनको आगे रन करना है तो. या वैसे कटरीना आई है एक पंजाब की, शहनाज गिल क्या कहेंगे उसके लिए. आई थिंक वो फुल ऑन एंटरटेनर है, लेकिन वो अगेन जो शो में बोला जा रहा है कि वो सुमड़ी में सबको ले रही है, अपनी भोली भोली एक्टिंग करके ले रही है, मे बी शी इज लाइक दैट, बट शी इज अगेन प्लेइंग वेरी स्मार्ट. एंड आई थिंक शी इज बीइंग लाइक, जो भी उनका मन में आ रहा है वो कर रही है ऐसा तो लग रहा है, अभी आगे जाके पता चलेगा. ओके, आसिम. आसिम एक्चुअली मुझे लगा कि उसकी बहुत लगेगी, लेकिन वो बच गया फर्स्ट एपिसोड, वो बहुत लोकी हो गया, बट आगे क्या होने वाला है वो तो पता नहीं है. ओके, सो सारे कंटेस्टेंट के बारे में हमने जान लिया आई गेस, तो मैं देखती हूँ इसीलिए तो पूछा है क्योंकि ये देखती है. तो आई एम श्योर आप किसे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाली, आपकी साथिया वाली मम्मा को आई गेस. मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं अभी डिसाइड ही नहीं किया मैं किसको सपोर्ट करने वाली हूँ, क्योंकि अभी किसी के भी रंग रियल दिखे ही नहीं है. इट विल टेक अ मंथ फॉर देम टू कम आउट ऑल, लाइक कम ऑल आउट, तो तब आप मुझसे पूछोगे तो देन आई टेल यू हुम आई एम सपोर्टिंग. एंड तेजू किसी को सपोर्ट करने वाली है या अभी नहीं पता? मैंने इधर देखा नहीं है, बट बिकॉज पारस इज अ फ्रेंड तो शायद पारस. तो चलिए देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट्स के, सेलिब्रिटीज़ के रंग बदलते हैं, और साथ ही में आपके जो यहाँ पे है तानिया और तेजू, जाते जाते अपने फैंस को कुछ कहना चाहोगे? खतरों के खिलाड़ी देखो तो अभी जैन में आएगा. सो इन दोनों की मस्ती आप इंस्टाग्राम पे देखिएगा इनके अकाउंट पे. और साथ ही पर्दे के पीछे की मस्ती तुम दिखाते ही हैं, सास बहू और बेटियां पर. कैमरा पर्सन प्रतीक के साथ श्रुति बढ़ जाते हैं आप मुंबई आज तक.